डियर स्टूडेंट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ओ एल एस एस्टिमेशन एंड एज यू नो दैट ओ एल एस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन इकोनोमैटिक्स एंड इवन इन डिजाइनिंग द रिसर्च पेपर इन डिजाइनिंग द रिसर्च थीसिस एंड इवन इफ यू आर गोइंग टू लाइक कंडक्ट एनी रिसर्च प्रोजेक्ट या कोई रिसर्च रिपोर्ट लॉन्च कर रहे हैं या कोई बिजनेस स्टडी करने जा रहे हैं बिजनेस प्लान को डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट की किसी स्ट्रेटी को आप डिस्कस करने जा रहे हैं देन ओ आपको एक बेस प्रोवाइड करती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज से डिपेंडेंट में कितनी चेंज आ रही है नंबर टू कि कौन सी चेंजेस हैं जो मॉडल ऑब्जर्व नहीं कर रहा जिनको हम एरर में डिस्कस करते हैं कि जो आपका एरर है उसका नंबर कितना है और उसके लिए हमने आर स्केयर को डिस्कस किया था uh, हमने सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइक क्वाफिशेंट्स की बात की थी Uh, हमने डिफरेंट मॉडल डिस्कस किए जिससे हमें अथेंटिसिटी का आइडिया होगा कि वेदर आर मॉडल इज गुड और अच्छी एस्टिमेशन है लाइक एफिशेंट हैं जिसको हमने ब्लू में डिस्कस किया था कि बेस्ट लीनियर एंड अनबाइज एस्टिमेटर को हम उसमें डिस्कस करते हैं ओ एल एस एक जब बेस प्रोवाइड करेगी देन हम उससे एडवांस टेक्निक जाएंगे जिनमें इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि टाइम सीरीज में हम कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं और टाइम सीरीज में जो बेसिक आपकी चीज़ होती है जो आपको बताया था कि ओवर डिफरेंट टाइम पीरियड आप डेटा कलेक्ट करते हैं और डेटा जब कलेक्ट करते हैं तो डेटा जो है वो आपका रेंडम नंबर होता है वो आप उसको प्रोडिक्ट नहीं कर सकते स्पेसिफिकली लाइक इन द स्टडीज ऑफ़ बिजनेस इन द स्टडीज ऑफ़ मैनेजमेंट साइंसिस एंड मैनी ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल वी आर अनएबल टू प्रोडक्ट लाइक द ट्रेंड स्पेसिफिकली इन फाइनेंशियल इकोनोमेटिक इफ़ यू हैव द आइडिया ऑफ एक्सचेंज रेट या आपको एक स्टॉक मार्केट का आइडिया है आपको आइडिया होगा कि वो जो वैल्यूज हैं वो एक रैंडम वॉक उनका होता है रैंडम वॉक ये है कि वो जो वाक कर रही होते हैं नंबर दे आर रैंडम हम उसको प्रडिक्ट नहीं कर सकते और स्पेशली जब हम स्टॉक मार्केट को प्रडिक्ट करते हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज होगी अगर हम प्रडिक्ट कर सकें कि नेक्स्ट वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज तो हर बंदा मिलियन से बिलियन में चला जाएगा और बिलियन वाला ट्रिलियन में चला जाएगा इसलिए हम फाइनेंशियल इकोनोमेटिक्स में मोस्ट ऑफ द सीरीज ऐसी हैं जिनको प्रडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनका ट्रेंड जो है वो एक रैंडम नंबर होता है और रैंडम नंबर जब आता है तो उसको हम जो इकोनॉमिक्स में और स्पेसिफिकली टाइम सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं रैंडम वाक और रैंडम वाक वो वॉक होती है विच इज अनप्रडिक्टेबल और ये बिल्कुल उस तरह ही है जिस तरह एक जो ड्रंकर्स होते हैं उनकी जो वाक होती है ना वी आर अनएबल टू प्रडिक्ट वेदर ही आर शी इज मूविंग राइट वर्ड डाउनवर्ड हाउ मच राइट एंड हाउ मच लाइक लेफ्ट टर्न ले रहा है हम उसको प्रडिक्ट नहीं कर सकते और उसकी वैल्यूज इंक्रीज हो सकती है डिक्रीज हो सकती है फिर इंक्रीज हो सकती है तो उसको हम कहते हैं एक रेंडम वॉक होती है और जो रेंडम वाक है इसको अगर हम इकोनोमेटिक्स uh, में एस्टिमेट करना चाहें तो देन वी हैव वेरी मच लाइक सिंपल इक्वेजन वाई टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस वन प्लस एर टर्म आर डिस्टर्बेंस टर्म और यहाँ पर अगेन द डिस्टर्बेंस टर्म हैविंग द सेम करेक्टरिस्टिक लाइक विद मीन जीरो एंड वेरियंस कॉन्स्टेंट और ये जो वाई टी इज इक्वल टू वाई टी माइनस वन दिस इज बेसिकली ए आर प्रोसेस जो अपने ऑटोरिग्रेसिव प्रोसेस पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ऑटो रिग्रेसिव ये होता है कि आप जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके लैग पे उसको रिग्रेस करते हैं और जब लैग पे रिग्रेस करते हैं इट मीन्स कि उसको प्रीवियस वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं और प्रीवियस वैल्यू के साथ जब कंपेयर करते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से वो कोरिलेट कर रही है या कोरिलेट नहीं कर रही अगर कोरिलेट कर रही है इट मीन्स कि अगली वैल्यू पिछली से डिटर्मन हो रही है अगर नहीं लाइक like एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव आ जाती है अगली फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाती है दूसरी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है दीज आर योर रैंडम नंबर हमने ये इंश्योर करना होता है क्या आपकी सीरीज में या टाइम सीरीज में या आपका जो डेटा है वो रेंडम नंबर है और कोई भी वैल्यू किसी वक्त भी आ सकती है तो उसको आगे हम यूज़ uh, करने के लिए फिर देखें किस तरह उसका हम ट्रेंड चेंज करेंगे किस तरह हम कट दि, उसका डिज़ाइन चेंज करेंगे किस तरह उसकी शेप चेंज करेंगे ताकि हम अपनी जो एस्टिमेशन है वो हमारे पास बेस्ट हों वो हमारे पास एफिशेंट हों और वो जो मॉडल हम यूज़ करें वो बेस्ट हो ताकि उसकी बेस पे जो हम पॉलिसीज़ बनाए, वो हमें फ्यूचर में वो हेल्प करें सेकेंडली इसमें आप लोग देख रहे हैं यू कैन एक्सपेंड दिस नंबर लाइक टी इज़ योर टाइम इफ़ फॉर यन तो आप इसको वाई वन इज इक्वल टू टी माइनस वन एंड टी इज़ वन तो आपके पास y नॉट आ जाएगा प्लस टर्म इन द सेम पैटर्न आप y टू ले सकते हैं y y इज इज इक्वल इक्वल टू टू लाइक क्योंकि t minus 1, and t एंड प्लस म्यू टू विच इज म्यू वन प्लस म्यू टू इसमें क्या करते हैं कि हम जो ही लेग चेंज करते जाएंगे आपकी वैल्यू चेंज होती जाएगी और आप देख लेंगे पहली वैल्यू पिछले के साथ को कर रही है या नहीं प्लस हमारे पास एक एरर टर्म आ जाएगा और एरर टर्म को हम सम करेंगे तो वो ओवरऑल मॉडल में जितनी वेरिएशन है जितनी अनएक्सप्लेन वेरिएशन है उस सारी को सम अप करके आ, हमारे साथ वो शेयर कर देगी सेकेंडली इसको बहुत सिंपली हम जब सम अप करते हैं तो दिस इज योर वाई टी इज इक्वल टू वाई नाट प्लस सम ऑफ एरर टर्म आ जाता है जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर रैंडम वॉक है मॉडल में या रैंडम वॉक नहीं है